हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत करता हूँ आपका खोजी अनुपम मुरादाबादी। जी हाँ, जो खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल था वो अब हो चुका है खोजी अनुपम मुरादाबादी, क्योंकि हम मुरादाबाद से हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके आगे अपने शहर का नाम लगाया जाए, ताकि इसकी रीच है जो लोगों तक हमारे शहर की और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल बात करने आया हूँ, बहुत ही छोटी, और आपको कुछ खिलाने लेके आया हूँ। क्योंकि आपने पिज़्ज़ा तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको स्पेशल पिज़्ज़ा खिलाने लाया हूँ, जो कि डोमिनोज़ में नहीं, पिज़्ज़ा हट में नहीं, और या फिर कहीं और नहीं। तो आप भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ लेके आया हूँ और कौन सा पिज़्ज़ा खिलाने लाया हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको एक अलग ही किस्म का पिज़्ज़ा दिखाने वाले हैं, जो कि है मूंग दाल पिज़्ज़ा। कहाँ पे है मैं आपको बताना चाहूँगा, यह है महिलाल स्कूल के सामने आपका दिल्ली रोड पे। जैसे ही आप मझोला की तरफ आते हैं, वहीं पे इनका ठेला लगता है महिलाल स्कूल के सामने। तो हम इनका मेन्यू दिखाने वाले हैं, टेस्ट करके बताने वाले हैं, और कैसा इसका टेस्ट और क्या रिव्यू है, आपको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए पूरा बताने आने। ये देखें, यहाँ पर बनना शुरू हो गए मूंग दाल के पिज़्ज़े। भैया कौन कौन से पिज़्ज़े बनाते हैं और कितने सालों से बना रहे हैं? क्या नाम है भैया पहले आपका? सुधाकर। अच्छा, तो आपके दिमाग में ये रेसिपी कहाँ से आई कि मूंग दाल का पिज़्ज़ा होना चाहिए या फिर बाद में मूंग रेट के नाम से बिकता है? अच्छा, इसको मैंने अंदर की फीलिंग वगैरह से जो करते हैं वो मैंने अपने दिमाग से करा। अच्छा, तो आपने गाजियाबाद में सीखा या फिर आपने काम करा? मूंग रेट सीखा था, बाकी अपने दिमाग से आइडिया साथ रहे वो बनाते रहे। अच्छा, तो मुरादाबाद में कितने साल से बना रहे हैं आप? दो साल से बना रहे हैं। तो लोग पसंद कर रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा। अच्छा। वाला पिज़्ज़ा खाने, वाला पिज़्ज़ा खाने के बाद वाला पिज़्ज़ा भूल जाएंगे इस बात। अच्छा, मेन्यू उठाइए अपना। तो ये आप मेन्यू देख सकते हैं भैया का। तो इसमें क्या क्या है पिज़्ज़ा आप बताएंगे एक बार? पिज़्ज़ा है सर, मूंग दाल स्टफ, जो चीज़ भी खाता है उसके लिए स्टफ भी है जी, और जो चीज़ खाते हैं सिंगल चीज़, डबल चीज़, चीज़ बस्ट और गार्लिक ब्रेड। तो सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा कौन था आपका? सर आप सबसे बेस्ट जो चीज़ बनाते हो चीज़ी पिज़्ज़ा तो वही होता है मूंग दाल बस्ट। अच्छा, ये डबल चीज पिज़्ज़ा। अच्छा, डबल चीज बस्ट और डबल चीज, और ये वाला इसके अलावा डबल चीज बस्ट भी। जो चीज़ कम खाता है, कम खाता है वो सिंगल चीज़ वाला सही रहेगा। तो जैसे कि हम लोग चीज़ कम खाते हैं, तो हम अपने लिए एक सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा बनवाते हैं भैया से। तो एक सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा बनाइए हमारे लिए। तो आप हमें पूरा बता दिया क्या क्या है इंग्रेडिएंट, एक नया पिज़्ज़ा तैयार करिएगा। 10 से 12 मिनट लगते हैं। अच्छा, इतने पहले से तैयार होता है? इसलिए पहले से 4-5 पीस बना कर रखते हैं। तो देखिए भैया का ये बेस तैयार है। तो ये बेस मूंग की दाल से बैठ, मैं आपको नया पिज़्ज़ा बना के दिखाता हूँ। हाँ, पूरा ही बना के दिखा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सीख गया, ये पूरा मूंग की दाल से बनता है, बनाने के लिए तैयार है हम एकदम से। अच्छा, तो ये देखिए देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा का बेस है ये भैया ने, ये पूरा चारों तरफ से स्टार की तरह इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कट दिया है। और ये हेल्दी भी होगा भैया, क्योंकि मूंग दाल से बना है। मूंग की दाल तो आपको पता है, डॉक्टर भी बताते हैं सभी लोग, और मुरादाबाद के हैं आप, तो भाई मूंग की दाल तो मशहूर है, जिसकी वजह से मुरादाबाद का पीतल और मुरादाबाद की पीतल की कढ़ाई में बनने वाली आपकी मूंग की दाल। और भैया ले आए हैं यहाँ पे मूंग की दाल का पिज़्ज़ा। तो देखिए भैया ने इसमें क्या क्या डाल दिया भैया? ये सब मोजरेला चीज़ डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले आपने ये डाला ना वेजिटेबल? स्टफ वेजिटेबल सारी। इसमें क्या क्या रहता है भैया? गाजर, शिमला मिर्च। अच्छा, और प्याज। और जो लोग प्याज नहीं खाते उनके उसके लिए बिना प्याज का भी शिमला मिर्च गाजर का। अच्छा, तो भैया क्या टाइमिंग रहता है आपकी शॉप का? टाइमिंग है 4:30 से लेकर 4:30 से 4:30 10:30। अच्छा, और वीक में कितने दिन? 7 days। ठीक है, तो महिला स्कूल के सामने है ना आपका ये रोड सामने, खुशालपुर रोड। अच्छा अच्छा, ये आपने बटर लगाया, बटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अमूल का। देखिए अमूल का बटर भैया यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और छोटी वाली पूरी टिक्के में डाल दिए, काफ़ी फ्लफी हो गया है ना ये। और ये देख सकते हैं काफ़ी भैया का ठेला भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, और देखिए बैठने का भी इंतज़ाम यहाँ पर बहुत अच्छा है। देखिए 7-8 यहाँ पर मूंग के दाल के पिज़्ज़ा भैया एक साथ बना रहे हैं, जैसे भीड़ होती है तो भैया को ये परेशानी ना पड़े। इसने देखिए बढ़िया से कटा हुआ है यहाँ पे, वही टेबल बिल्कुल साफ सुथरे। अभी कितनी देर फ्राई होगा भैया? मात्र दो तीन मिनट। देखिए जब तक ये फ्राई हो रहा है यहाँ पे बढ़िया से,
ऑनलाइन वगैरह भी है क्या भाई आपका? जोमेटो पर पहली स्पेशल मूंग दाल पिज़्ज़ा के नाम से जोमेटो पे आप देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। एक टीस भाई हमारे मुरादाबाद में अगर कोई नया कुछ कर रहा है जिसे है ना तो कुछ घिसी पिटी चाहिए खाते रहते हैं आप, कुछ नया ट्राई करना हो तो ये मूंग दाल का पिज़्ज़ा आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का तो हम खाते ही हैं। अपने जो मेक इन इंडिया का हम बात करते हैं, जो मेड इन इंडिया उस चीज़ को भी हाँ तो उसे प्रमोट करना चाहिए हम लोगों को, जो हमारे आसपास के लोग बनाते हैं उन्हें ज़्यादा। ये देखिए काफ़ी ब्राउन हो गया हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे, ये देखिए भाई ओहो इसका नाम भी चेंज करने वाला हूँ, सुदेशी मूंग दाल पिज़्ज़ा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो मोदी जी को समर्पित तो नहीं है ये? अच्छा अच्छा तो मोदी जी को समर्पित कर दिया। ये मसाला कौन सा डाला भैया आपने? सब कुछ होममेड है। अच्छा गरम मसाला बाहर के नहीं है, सिर्फ अमूल के मक्खन मोजरा चीज के अलावा। अमूल तो अपना इंडियन ही है, वो तो अपने घर का ही है। और देखिए इसके अंदर मोजरेला चीज़ भी अभी बढ़िया करके भैया ने डाल दी है, देखिए काफ़ी फ्लफी हो गया है इसके अंदर से, बहुत ही शानदार लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, काफ़ी ब्राउन कर दिया भैया ने। और ये देखिए भैया ने प्लेट उठा लिया और ये टिश्यू पेपर भी बढ़िया भैया ने, ताकि आपको पूरा हाइजीन भी मिले, साफ़ सुथरा मिले, तो आपको उस चीज़ की भी शिकायत ना हो कि साफ़ सुथरा नहीं है। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा मैंने देखा भैया ने तैयार करा है, और ये तैयार हो चुका है हमारा लगभग। ये पिज़्ज़ा कटर से भैया ने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, ताकि आठ स्लाइसेस हैं इसके, आठ स्लाइसेस, तो दो लोग भी आराम से खा सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा भूखा है तो अकेला इसे खा सकता है। ये हरी चटनी भैया ने और ये लाल चटनी काय काय की बनी है भैया? सर खजूर वाली बनाते हैं चटनी, खजूर की, खजूर तो और अच्छा होता है पेट के लिए। और सारी चीज़ें आपने मतलब हेल्दी रखी हैं जी भैया, कुछ स्वास्थ्य का सबसे स्वास्थ्य का ध्यान दिया गया है। अच्छा अच्छा, ये हमारी प्लेट लग गई है और ये देखिए ये हमारा तैयार है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा मूंग दाल पिज़्ज़ा तैयार है यहाँ पे, और मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ इसकी स्टफिंग। तो देखिए इसकी काफ़ी चीज़ी है और देखने में काफ़ी टेस्टी है, और अभी मैंने इसे टेस्ट नहीं करा है, और यहाँ टिश्यू पेपर भी हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, तो हम इसे अभी टेस्ट करने वाले हैं, आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं कैसा है। तो दोस्तों ये हमारा मूंग दाल पिज़्ज़ा जो हम आपको टेस्ट करके आप दिखाने वाले हैं खोजी अनुपम मुरादाबादी यूट्यूब चैनल पे। तो एक स्लाइस इसका ले लेते हैं, काफ़ी देखिए इसमें देखिए दूर तक इसका ये बहुत ही गर्मा गर्म है, और गर्मियों में ही बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मूंग दाल का बना है। और यहाँ पे चटनी है हरी वाली लाल वाली, तो अभी हम इसको टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं कैसा है। थोड़ी हरी चटनी ले लेते हैं, थोड़ी लाल चटनी ले लेते हैं, एक और बाइट लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। काफ़ी गर्म है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही सॉफ्ट इसका टेस्ट है, मतलब अंदर तक पूरा भरा हुआ है। इसके अंदर जो स्टफिंग है थोड़ा सा स्पाइसी है, अगर आप कम स्पाइस खाना चाहते हैं तो कम स्पाइसी भी ले सकते हैं, और मोजरेला चीज़ काफ़ी अच्छे से इसके अंदर भरी हुई है। और इसका प्राइस है 100 रुपये, और डबल चीज़ पिज़्ज़ा लेते हैं तो 150 रुपये है। और बाकी मेन्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, इस मेन्यू में आप सारे प्राइस देख सकते हैं, 70 रुपये से शुरू है यहाँ पर मूंग दाल पिज़्ज़ा। और ये देखिए 100, 120, 150, 90 अलग अलग चीज़ें भी हैं, काफ़ी फिंगर चिप्स वगैरह, तो जो आपको पसंद आए आप यहाँ आके ले सकते हैं। बहरहाल ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, आप मतलब हफ्ते में एक आध बार महीने में कभी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मज़ा आ गया बिल्कुल, और मैंने एक YouTube पे देखी थी इनकी वीडियो, मैं तभी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लेके आया। तो आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, खुशालपुर रोड जो आपका महिलाल स्कूल है उसके जस्ट सामने ही है, और बहुत टेस्टी है। और आप तक आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा, ताकि भैया का और भी प्रमोट हो सके, जो कार्ट इन्होंने अच्छी बनाई है, मूंग दाल पिज़्ज़ा एक अच्छी चीज़ बनाई है, तो आप ज़रूर आके खाएं।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारा एक छोटा भाई भी आया है, इट्स एडिट करके इंस्टाग्राम पे इनका जो पेज है, तो आप इनका हमारे साथ आए थे, आज आप पूछने वाले हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है। ये कैमरा हैंडलिंग कर रहे हैं हमारे साथ, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ मैं इनको, तो इनसे पूछते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसा लगा इनको मूंग दाल का। ये बाइट पहले खाया है फिर समीर तुमने? मैंने पहले से कभी नहीं खाया, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ आया हूँ। समीर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हो? एट क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब बहुत अच्छा लगा नॉर्मल अच्छा। पिज्जा से ये टेस्ट में बहुत अच्छा है अच्छा। और बहुत लाइट है चबाने में, मतलब ऐसा अलग से पिज्जा नॉर्मल पिज्जा से मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। सबसे अच्छी बात ये उतना कॉस्टली नहीं है और अच्छा है ये खाने। बढ़िया चटनी लगा के देखिए आपने, ये खजूर की चटनी है और ये हरी वाली चटनी है। चटनी भी इनकी बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है चटनी में भी। चटनी लगा के टेस्ट बताइए आप। ठीक है, देखिए हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, क्योंकि हम लोग फूड वेस्टेज जीरो करते हैं, खाना बचाते नहीं है, अगर बचाएंगे भी तो पैक कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को खाना को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सोशल मैसेज आप सबके लिए हैं, तो प्लीज़ इसे फॉलो करें। अब चलते हैं भैया के पास और बताते हैं उन्हें कैसा टेस्ट लगा। तो देखिए भैया ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ये देखिए चॉकलेट का भी इनके पास पिज़्ज़ा है, ये तुम आप ट्राई करिएगा अपनी रिस्क पे, मैं नहीं पता लेकिन अच्छा होगा भैया कह रहे हैं काफ़ी, है ना? बढ़िया होगा, सारे पिज़्ज़ा बढ़िया होंगे जितने भी हैं। वाला इस्तेमाल करते हैं न्यूटेला। अच्छा न्यूटेला का चॉकलेट भैया इस्तेमाल करते हैं। मूंग दाल डबल चीज़ पिज़्ज़ा, मूंग दाल चॉकलेट डबल चीज़ पिज़्ज़ा, पनीर का भी है और काफ़ी वैरायटी है, तो जो आपका मन करे जो आपको पसंद हो आप आके यहाँ पे ट्राई कर। हम लोगों को भैया आपका पिज़्ज़ा बहुत बहुत पसंद आया, तो हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे आप कुछ मैसेज? ये कहूँगा एक बार अपना ये पिज्जा मूंग दाल पिज्जा खा के देखिए, खुद ही पसंद आएगा, उस पिज्जा से लाख गुना बढ़िया होगा और हेल्दी भी बहुत है। पेट में खाया तो पता नहीं लगा कि कहाँ गया। कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ती है मेरे पिज्जा खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ पानी पीने तक का भी मन नहीं करा, सच कह रहे हैं भैया। तो आप ज़रूर आके मूंग दाल पिज़्ज़ा, दिल्ली मूंग दाल पिज़्ज़ा जरूर ट्राई करें भैया की शॉप पे। और भैया का नाम भैया एक और बार बता दें। अच्छा सुधाकर। आपका अगर मोबाइल से कोई मंगाता ऑर्डर तो कर देते हैं? जी जी। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9927661241। तो ये भैया का नंबर है, तो अगर आप कितने एरिया में भैया पहुँचा देंगे? लगभग 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर अगर आप इनके आसपास रहते हैं, दिल्ली स्पेशल मूंग दाल पिज़्ज़ा पे आप जोमेटो पर ऑर्डर करते हैं। थैंक यू।